सब्सक्राइब कीजिए हमारे राणा सरिता चैनल को और घंटे बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो पंजाब की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जिसको पंजाब के अंदर जो प्रसाद मिलता है गुरुद्वारे के अंदर उसको बोलते हैं कड़ा प्रसाद, जिसको हम हिंदी में आटे का हलवा बोलते हैं, जिसके लिए बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने आटा लिया है और घी, सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर घी को डालना है, घी ऐड किया है। आप इसमें कम या ज्यादा मात्रा में घी ऐड कर सकते हो। मैंने 1.5 कप आटा लिया है और उसके अंदर 1 कटोरी घी को ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। ये मैंने आटा और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर हमने कोई लम्स नहीं रहने देने और अच्छी तरह से इसको 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पे इसको ब्राउन होने तक भूनना है। अगर इसको बीच में अगर आप इसको ब्राउन होने तक नहीं भूनोगे तो ये आटा जो हमारा है वो कच्चा रहेगा। अच्छी तरह से ये हमारा हलवा ब्राउन हो चुका है। ये देखिए इसने घी भी साइड में से छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने अभी इसके अंदर पानी को ऐड कर दिया है इस तरह से। अब हमें इसको चलाते हुए पानी को ही ऐड करना है कि कोई इसके अंदर लम्स ना रह जाए और अब इसको अच्छी तरह से इसको इसके अंदर मिक्स करना है। हमारे निकल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 कटोरी चीनी को ऐड किया और इसको अब हमने अच्छी तरह से चला लिया। मीठा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको अच्छा तेज मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा चीनी ऐड करें। चीनी मैंने 1 से 1.5 कटोरी ली है क्योंकि मेरे को वो थोड़ी कम लग रही थी, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर 1.5 कटोरी और चीनी ऐड करी है। अब मैंने इसके अंदर नारियल का जो बूरा है वो ऐड किया है और इसको फिर मैंने चलाना है। देखिए घी भी इसने साइडों में से छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने बादाम को मैंने काट लिया था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया और मिक्स हो गया करना है। देखिए ये हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम ये सर्विंग के लिए रेडी है। अब हमने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब मैंने इसके गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर फिर से जो बादाम मैंने काटे थे उनको ऐड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने नारियल जो पिसा हुआ था उसको इसके ऊपर गार्निश करने के लिए ऐड किया है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।